आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। हम आपको अपने इस चैनल पर की किताब रहने से वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियोस तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। आज की वीडियो का टाइटल है इंडियाज IPL overtakes England's EPL. IPL media rights sold for more than 50,000 crore. तो सबसे पहले देखते हैं ना वीडियो और फिर देखते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल ऑफ यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नवाज से 14 साल पहले जब 2008 में पहली बार IPL हुआ तब किसी ने सोचा नहीं था कि एक दिन ये IPL पर मैच वैल्यूएशन के हिसाब से इंग्लैंड की इंग्लिश प्रीमियर लीग जहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड लिवरपूल जैसे बड़े बड़े क्लब हैं इनको भी पीछे छोड़ देगा। रिसेंटली देखो IPL के मीडिया राइट्स इतने ज़्यादा हाई रेट में बिके हैं। टोटल बताया जा रहा है कि आराम से BCCI 50,000 करोड़ से भी ऊपर का अमाउंट कमा देगा। इसके बाद अब दुनिया भर में ये बात एक्सेप्ट की जा चुकी है कि इंग्लैंड का जो EPL है इससे मार्केट वैल्यूएशन में बहुत ज्यादा आगे है IPL। नाउ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मीडिया राइट्स का मतलब क्या होता है, रिसेंटली मीडिया राइट्स किसको मिले हैं, इससे BCCI को क्या फायदा होगा, इंडियन क्रिकेट को क्या फायदा होगा, सब हम डिस्कस करेंगे। मगर सबसे पहले आपको समझने होंगे बेसिक्स। अगर आप क्रिकेट के फैन हैं, कैजुअल फैन भी हैं, तो आपने डेफिनेटली लाइफ में एक बार IPL देखा होगा। नाउ IPL आपको याद होगा आप टीवी पे देख सकते हो, उसके अलावा आप ऑनलाइन एक OTT ऐप पर भी देख सकते हो। OTT ऐप जो अभी तक IPL के मैचेस को ब्रॉडकास्ट करती थी वो थी डिज्नी हॉटस्टार। ठीक है, डिज्नी हॉटस्टार में आपको याद होगा IPL के मैच आते थे और लोगों को डिज्नी हॉटस्टार की सब्सक्रिप्शन खरीदनी पड़ती थी, पैसे देने होते थे तो जाकर ये ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में ये मैच देख पाते थे। और यही मेन जरिया था BCCI की अर्निंग का। देखो BCCI ICC से अर्न करती है, जो इंटरनेशनल मैचेस होते हैं उससे अर्न करती है, मगर BCCI का पिछले 10 साल में आप अगर देखो तो अर्निंग का सबसे बड़ा सोर्स बन चुका है IPL। BCCI क्या कहता है कि सोनी, स्टार स्पोर्ट्स, डिज्नी, वायोकॉम, वेरियस जो कंपनीज हैं इनको कहता है कि आप में से कौन IPL टूर्नामेंट दिखाना चाहता है। ऑब्वियसली सब लोग दिखाना चाहेंगे क्योंकि IPL टूर्नामेंट पूरे भारत में देखा जाता है, चाहे नॉर्थ हो, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। ये अकेला अपने आप में शो है, आप सोचकर देखें, जहां पर पूरा भारत मिलकर एक ही शो देखता है और लोग बहुत ज्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड होते हैं अपनी टीम्स पे। और कोई भी चैनल, चाहे स्टार स्पोर्ट्स हो या फिर हॉटस्टार हो, जब ये IPL दिखाएगा साथ में ये अपनी एड्स भी दिखाएंगे, उससे इनकी कमाई भी हो जाती है। उसके अलावा आप खुद सोचिए, अगर आपको अपने चैनल के सब्सक्रिप्शन बढ़ाने हैं, अगर आपको नए व्यूअर्स लेके आने हैं अपने प्लेटफॉर्म में, तो IPL उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है। और इसलिए BCCI हर 3-4 साल में जो IPL के मीडिया राइट्स है ये बेचती है। इसमें दो राइट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो होते हैं टीवी राइट के IPL टीवी पे कौन दिखाएगा, एक होते हैं डिजिटल राइट के ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में IPL कौन दिखाएगा। तो इस बार बताया जा रहा है कि BCCI आराम से टीवी के राइट, डिजिटल राइट, उसके अलावा ओवरसीज राइट, क्योंकि अब तो IPL को देखने की जो डिमांड है ये UK, ऑस्ट्रेलिया, USA, ओवरसीज भी बहुत ज़रा आ रही है, वहां पर भी कई नेटवर्क्स हैं, वो चाहते हैं कि सिर्फ हम दिखाएंगे IPL को। तो सारे मीडिया राइट्स बेचकर आराम से BCCI कमा लेगा 50,000 करोड़ रुपए। और ये मीडिया राइट्स कितने साल तक के बिके हैं, ये बिके हैं 2023 से लेकर 2027 तक। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, BCCI यहां पर करा रहा है ई ऑक्शन। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट में कोई मीटिंग हो गई, कोई कंपनी आई, उनका हमने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। BCCI ट्रांसपेरेंट तरीके से एक ई ऑक्शन करा रहा है। यहां पर मेजर कंपनीज को कहा गया है, चाहे डिज्नी हो या फिर जियो हो या फिर कोई और कंपनी हो, आप आइए बिड करिए, अगर आपको बिड मिल गई तो आप IPL को ब्रॉडकास्ट कर पाओगे। और अभी ऑनलाइन आप अगर देखो तो बहुत इस पे पोस्ट आ रही है कि जी सोनी जीत चुका है डिजिटल राइट, टीवी के राइट कोई और जीत चुका है। मगर अब जो नई रिपोर्ट्स बिल्कुल कुछ ही मिनट्स पहले सामने आई है उससे यह पता लग रहा है कि डिज्नी को मिले हैं टीवी के राइट्स। जी हाँ, टीवी के राइट्स, डिजिटल राइट्स नहीं, टीवी के राइट्स। और जो डिजिटल राइट्स हैं मतलब कि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पे दिखाने के राइट्स, ये मिले हैं वायोकॉम 18 को। डिज्नी आपको पता होगा स्टार के साथ मिलकर काम करता है। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में पॉसिबिलिटी है कि आपको किसी और प्लेटफॉर्म में इस बार दिखेगा IPL। अब यहां पे आप कहोगे 50,000 करोड़ रुपए के जो मीडिया राइट्स बिके हैं इसके हिसाब से IPL EPL जो इंग्लिश प्रीमियर लीग है इससे बड़ा कैसे हो गया। तो इसका आंसर है देखिए, पर मैच जो अब अर्निंग होगी BCCI की ये आराम से 107-108 करोड़ के आसपास रहने वाली है, इंडियन रुपीस की हम बात कर रहे हैं। ये EPL की अर्निंग से, पर मैच अर्निंग से काफी ज्यादा है। EPL रफली 80-90 करोड़ के आसपास कमाता है पर मैच। मगर यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हमको याद रखना होगा,
जो इंग्लिश प्रीमियर लीग है ना, ये कई महीनों तक चलती है और इनके बहुत से मैचेस होते हैं। आईपीएल के मैचेस आप अगर देखोगे तो काफी कम होते हैं, आईपीएल रफली डेढ़ महीने तक चलता है। तो वैसे आप अगर बात करोगे टोटल रेवेन्यू की तो वहां पर तो ईपीएल से ज्यादा ही आएगा, क्योंकि ईपीएल एक बहुत ज्यादा लंबा टूर्नामेंट है और इसीलिए अब डिमांड उठ रही है कि आईपीएल की विंडो बढ़ानी होगी। आईपीएल को हमें एक ज्यादा बड़ा टूर्नामेंट करना होगा। धीरे धीरे हो सकता है कि क्रिकेट भी फुटबॉल के रास्ते में जाएगा, जहां पर इंटरनेशनल मैचेस कम हुआ करेंगे, जो डोमेस्टिक क्लब मैचेस है वहां पर व्यूअर्स का ज्यादा एम्फेसिस हुआ करेगा। नाउ अगर हम बात करें प्योरली इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव की, कि जो कुछ यहाँ पर हुआ है बीसीसीआई के पास, जो ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स आने वाले हैं, 6 बिलियन डॉलर से भी ऊपर का जो पैसा आने वाला है, व्हाई डज दिस मैटर सो मच? ये इंडियन इकोनॉमी के लिए भी एक पॉजिटिव संकेत क्यों है? देखो, मैंने बात नोटिस करी, जैसे न्यूज सामने आई कि आईपीएल के मीडिया राइट्स रिकॉर्ड तोड़ रेट पर बिके हैं, पहले लोगों को आशंका थी कि क्या अब आईपीएल उतना अट्रैक्टिव रहा है, नहीं है, आईपीएल के ब्रांड के साथ क्या होगा, सारे डाउट्स खत्म हो चुके हैं। आईपीएल इज स्टिल प्रिटी मच द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड। तो मैं देख रहा था जैसे ही आईपीएल के मीडिया राइट्स बिके तो पाकिस्तान के इनके कई जो जर्नलिस्ट हैं, इनके कई जो प्रोमिनेंट लोग हैं, इन्होंने ये लिखना स्टार्ट कर दिया कि जितने का हमारा टोटल आईएमएफ प्रोग्राम है उतने का तो बस इनके आईपीएल के मीडिया राइट्स बिक गए, टीम्स जो बिकती हैं उसका अलग है। रिसेंटली आपको याद होगा लखनऊ की टीम बिकी, गुजरात की टीम बिकी, वो भी ऑलमोस्ट दोनों 1 बिलियन डॉलर्स के आसपास की बिकी है। और फ्यूचर में भी कोई बड़ी बात नहीं है, बीसीसीआई 3-4 बिलियन डॉलर थोड़ी सी और टीम्स बेच के भी कमा लेगा। मगर इंडिया का यहाँ पे अब टारगेट होना चाहिए NFL, नेशनल फुटबॉल लीग। देखो, दुनिया में पर मैच के हिसाब से आप अगर देखो तो सबसे ज्यादा लुक्रेटिव, सबसे ज्यादा अमीर स्पोर्टिंग टूर्नामेंट है अमेरिकन फुटबॉल का। ये फुटबॉल वो सॉकर नहीं है, ये रग्बी टाइप की फुटबॉल होती है, मगर इसको ये लोग फुटबॉल कहते हैं। इन लोगों के यहाँ जो पर मैच वैल्यूएशन है ये 136 करोड़ के आसपास है, आईपीएल 108-109 करोड़ के आसपास है। तो कोशिश हमको ये करनी है कि 2027 के आसपास हम NFL को भी बीट करके दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिकली सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट बन के दिखाएं। ये इंडिया के लिए मैं कहूंगा एक बहुत ही अच्छी एडवर्टीजमेंट होगी, दुनिया में भारत का नाम होगा कि दुनिया में सबसे अमीर स्पोर्टिंग लीग कहां पे है, ना चाइना में ना यूएसए में, इट बिलोंग्स इन इंडिया। अब यहां पे आप कहोगे मगर बीसीसीआई के पास जो ये इतना सारा पैसा आएगा, बीसीसीआई इसका क्या करेगी? देखो, इमीडिएटली मैंने ये देखा, जैसे ही ये मीडिया राइट्स का पता लगा कि इतने के बिक जाएंगे, इमीडिएटली बीसीसीआई ने अनाउंस किया है कि जो मंथली पेंशन होती है रिटायर्ड फॉर्मर क्रिकेटर्स अंपायर्स की, ये बढ़ा दी जाएगी। जिसको पहले 15,000 मिलते थे पर मंथ, अब मिलेंगे 30,000 रुपये। इसी तरीके से देखा गया है कि हर जगह पेंशन इंक्रीज कर दी गई है। उसके अलावा मोस्ट प्रॉब्ली अब क्या होगा कि आईपीएल में जो क्रिकेटर्स खेलते हैं उनको ज्यादा पैसा मिला करेगा। ऑलरेडी आप देख लो आईपीएल में आराम से जो टॉप क्रिकेटर जाता है वो 14-15 करोड़ के आसपास कमा लेता है। मोस्ट प्रॉब्ली इन द फ्यूचर ये जो अमाउंट है बढ़ने वाला है, क्रिकेटर्स इन द फ्यूचर और जरा कमाएंगे। मगर कहीं ना कहीं देखो बीसीसीआई के सामने कुछ क्वेश्चंस भी होंगे। एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन तो यहाँ पर यह है कि इंटरनेशनल क्रिकेट का क्या करें? बहुत लंबा समय हो चुका है, इंडिया ने कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीता, ना टेस्ट क्रिकेट में जीता, ना T20 में, ना ODI में, आईसीसी ट्रॉफी जीते हुए ही बहुत लंबा समय हो चुका है। उसके अलावा बीसीसीआई को अब यह भी सोचना होगा कि विमेन्स आईपीएल को किस तरीके से रोल आउट करेंगे, विमेन्स आईपीएल को किस तरीके से हम इकोनॉमिकली सक्सेसफुल बना सकते हैं, ये भी एक चैलेंज होगा बीसीसीआई के सामने। मोस्ट प्रॉब्ली जो ये पैसा यहाँ पर थोड़ा बहुत उसको भी प्रमोट करने में लगेगा। तो बीसीसीआई के पास अब रिसोर्सेज तो बहुत सारे आ गए हैं, जितने रिसोर्सेज पहले थे उससे ज्यादा आ चुके हैं। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से ये पैसा इंडियन क्रिकेट को इंप्रूव करने में लगाया जाएगा। नाउ फाइनली मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना। क्या आप मानते हैं कि आईपीएल को और ज्यादा एक्सटेंड करना चाहिए? क्या आईपीएल एक ज्यादा बड़ा टूर्नामेंट होना चाहिए, या फिर आप मानते हैं कि नहीं अभी के लिए आईपीएल की जो लेंथ है वही काफी है? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और हाँ, फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो थी, खास करके इंडियंस के लिए, इसलिए कि उनके देखने ये जो आईपीएल का टूर्नामेंट है वो उसने इतनी वसत और इतनी तरक्की किया है कि अब मेरे ख्याल में वो दूसरे नंबर पर है और आने वाले दुनिया की सबसे ज्यादा जो गेम पैसे कमाने वाले उसके मुकाबले की बात कर रहे हैं। वो ANF की बात कर रहे थे, ANFL, तो वो बता रहे थे कि वो 130 करोड़ मतलब इस सर भाई हमने एक वीडियो की थी कि जो महंगी तरीन लीग है दुनिया की, उसमें चौथे नंबर थे आईपीएल। आप दूसरे नंबर पे बता रहे हैं
वो अभी आ गई होगी, पर अभी भी चौथे नंबर NFL जो है अमेरिका की, उसके बाद इंग्लिश प्रीमियर लीग वो दूसरे नंबर। इंग्लैंड की जो है इंग्लिश प्रीमियर लीग उसको वो पीछे रह गई। मैं इस बात से परेशान हूँ कि इंडिया वालों ने IPL से पहले कहते थे कि रेवेन्यू इतना नहीं आता। मैं तो ये कहता हूँ सबसे ज्यादा जो पैसा आता है ना वो IPL से इंडिया को आता है, और इतना बोर्ड इंडिया का कामयाब और तकड़ा है इस IPL की वजह से भाई। बिल्कुल, इनको ये IPL का एक फायदा नहीं हुआ, बहुत ज्यादा फायदे हुए भाई। पूरे मुल्क में उसकी ऑडियंस आती है, हर देश से आती है, हर सबसे पहले मुल्क में आती है, सबसे पहले मेला लगता है। सबसे पहले मैं ये फायदा हुआ कि ये देखें उनको एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उनकी जो इकोनॉमी को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रही है इस IPL की वजह से। दूसरा, उनके पास नए से नए चेहरे, नए से नए बॉलर, नए से नए बैट्समैन तैयार हो रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस अपने मुल्क के जो कि उनके टीम को और ज्यादा तगड़ा और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। देख रहे हैं आप, वो पीछे हमने एक वीडियो की थी, वो उनका जो फास्ट बॉलर है वो जो रेस में लगा हुआ है, जिसने 157 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गेम कर रहा है भाई, उसकी तो IPL ना होती तो उसका नाम निशान नाम है। वो किधर से कोहली कहां से आया है? IPL से निकले ये कोहली साहब तो आए हैं डोमेस्टिक, वो अंडर 19 से। ओ मेरा भाई कोहली और उमर अकमल आए थे ना भाई अंडर 19 से, वो कैप्टन थे उसके, कैप्टन थे लेकिन मेरा भाई मशहूर तो भाई वो स्टेज है इंडियन प्रीमियर लीग, जो भी परफॉर्मेंस करेगा वो आगे आएगा, वो बहुत अच्छा स्टेज है। तो परफॉर्मेंस अच्छी IPL में उसने दी है ना। ये एक मिसाल, ये जो कश्मीर से लड़का आया है, नया बॉलर आया है, उसका नाम तो इंशाल्लाह इमरान मलक साहब, बहुत ही अच्छा बॉलर है। और स्पीड जो शुएब अख्तर जिस बॉलर की तारीफ करे वो पता है कितना अच्छा बॉलर होगा। बिल्कुल, आने वाले वक्त में भाई वो बहुत अच्छा बॉलर दुनिया का बन सकता है भाई। जो इंडियन प्रीमियर लीग है ना, ये नया रुख ले चुकी है। जिस टीम में पहले वो ब्रांड पहले वो 8 टीमें होती थी, अब वो 10 टीमें हो गई है। वो अब हो सकता है वो 12 बना ले। गंगोली साहब जो है ना उसको स्टेशन कर रहे हैं, उससे ज्यादा पैसा दे, जो इस वक्त इसमें पैसा आया है ना, इससे अगले साल ज्यादा पैसा आएगा। सारी बात है ये, ज्यादा अगर पैसा कमाएंगे तो मतलब भाई जिसको पैसा जिसमें आएगा वो दूसरे भी बात कर रहे हैं ना, पेंशन भी बढ़ा रहे हैं। असल में ये देख रहे हैं इससे एक वो तो अंपायर वगैरह या रिटायर खिलाड़ी या IPL के भाई उसके पास रेवेन्यू है तो फिर दे गए ना, पेंशन बढ़ा रहे हैं। इससे ये भी एक देख रहे फायदा होगा कि ये भी मैं सुन रहा हूँ, प्रशांत धवन साहब कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेट ना जो उसमें अब कमी आने आ रही, क्योंकि उसको लोग कम देख रहे हैं। जो इस तरह के होते हैं ना लीग वगैरह, जिस तरह IPL है, PSL भी है, बेहतर है भाई। सारी लीगों में भाई लीग का जो है उसमें क्रिकेट का मजा नहीं है। इंटरनेशनल लेवल की जो क्रिकेट जो दोनों ममालिक के दरमियान होती है ना क्रिकेट, वो ज्यादा जज्बा होता है। हम भी जो IPL होती है, PSL हमारी भी होती है, इतना मजा नहीं होता जो एक दूसरे ममालिक के दरमियान मैच होता है। इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है और 3-3 महीने भाई, जिसका भी हो, ऑस्ट्रेलिया जो न्यूजीलैंड का, वो भी ऑस्ट्रेलिया का, वो भी बहुत हम मजे देते हैं कि वो लड़ते हैं एक दूसरे से। ये देख रहे हैं कि उनके मीडिया जो है ना, मीडिया शेयर इतने ज़्यादा बिके हैं, और उसके अलावा ये तो उनके मीडिया शेयर किया है, उसके अलावा वो बता रहे थे, इसके अलावा भी हमारे बहुत से ज़राए हैं IPL से जो देख रहे जो अब टिकटें बिकती हैं, जो उधर वहाँ है तो भाई वो इंडिया का ग्राउंड में 1,25,000 बंदा गया वो पैसा किसको मिल रहा है भाई? वो तो इंडिया का, इंडिया ही में रहेगा ना, तो वो ही तो इंडिया का भाई। जो असल पैसा ना इंडिया को आता वो ओवर मीडिया राइट से, ओवरसीज भी जो है वो बता रहे थे, कनाडा है, UK है, दूसरे मालिक जो यूरोपियन कंट्रीज है वो भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। क्या हमारे मुल्क में वर्ल्ड में देखी जाती है 200 के कितने मालिक में देखी जाती है और ये बहुत बड़ा अब एक तो इंडिया की रेवेन्यू के लिए जनरेट करने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। दूसरा, इसको नया से नया चेहरे, नया से नया क्रिकेटर और शानदार क्रिकेटर जो लेवल के हैं जो मैच पर आएंगे। प्रशांत सर कह रहे थे कि एक परेशानी की भी बात है, इंडिया काफी अरसे से कोई इंटरनेशनल लेवल पर खासा तवज्जो नहीं दी जा रही है। जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है ना इंडिया के हिसाब से वो अच्छी है, मैं तो मानता हूं। नहीं, इंडिया की भी बेहतर है, अभी जो मैचेस हो गए पता चलेगा।
असल भाई जो अब पाकिस्तान अब साउथ अफ्रीका उसके अंदर खेलने गई वो जीती है पहला मैच, वो जीत गया इंडिया से। भाई जो एमएस धोनी का सितारा था ना, हाँ, वो बंदा लकी था। एक इंडिया को मैं कहता हूँ इंडिया भी जैसे मोदी साहब अपने मुल्क को नीचे से ऊपर लेके गए ना, धोनी भाई अपनी टीम को मेरे बेस्ट प्लेयर दुनिया के खिलाड़ी भाई वो माने जाने बेस्ट कप्तान भी बेस्ट कैप्टन बेस्ट प्लेयर मेरे को चैंपियन ट्रॉफी देख ले आईपीएल देख ले वर्ल्ड कप देख ले वो धोनी ही है भाई हमारे यहाँ। इधर हम पहले इमरान खान साहब को मानते थे और मैं अब एमएस धोनी की सबसे ज्यादा मुझे उनमें गुरूर नहीं होना देखा भाई, यही सिंपली सिटी इतनी उनकी है भाई, यही उसकी कामयाबी का है राज है। कभी उसको मैंने परेशान नहीं देखा, मतलब इतने बड़े बड़े मैचेस होते ना उसके चेहरे पर कभी का मतलब परेशान नहीं भाई। दूसरे कैप्टन को पता नहीं है इसने क्या करना है, उसका जेल के नहीं पता लगता। तो ये एक इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका और ज्यादा मेहनत करेंगे और ज्यादा ऊपर जाएंगे और ऊपर जाना चाहिए भी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।